नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं प्रेमाराम परियार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर प्रवास पर रहे, मीडिया से बातचीत की। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ जोधपुर के जिलाध्यक्ष भंवर आंगणवा, जिला सह कोषाध्यक्ष गौरीशंकर दादिच, भारतीय जलदाय श्रमिक संघ जोधपुर के जिला महामंत्री मंगनाराम कालीराणा, जिला कोषाध्यक्ष सुकाराम डूडी सहित कई कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। डॉक्टर पूनिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया। स्वर्गीय मोहन जयगवाल जी, जो बहुत लंबे अरसे से इन्होंने इस क्षेत्र में और पार्टी को सेवा दी, हमारे यहाँ के विधायक देवेंद्र जोशी जी की माताश्री, कुल मिलाकर सामाजिक तौर पर वहाँ सुख संवेदना के लिए आया। आज मैं रामदेव जी महाराज के दर्शन करूंगा रामदेवरा में, और कल तनोट माता के दर्शन करूंगा। कुल मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर 2 दिन इस क्षेत्र में रहूंगा। एक पिछले बरस से एक नवाचार शुरू किया था। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 बरस से भी ज़्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने के साथ साथ राजनीतिक तौर पर सामाजिक सरोकारों के बड़े काम उन्होंने किए, प्रेरणा दी। उनके जन्मदिन को भी हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उनकी सरकार की ऐसी बहुत सारी अभिनव योजनाएं हैं जिससे समाज के हर तबके को कहीं न कहीं कोई संबल मिला, ताकत मिली है। लेकिन उनकी 10 बरस के कालखंड में यदि आप उनकी नीतियों का आकलन करेंगे, खासतौर पर उनकी नीतियाँ महिला कल्याण परक है, बालिका उत्थान परक है, और एक उनकी बड़ी अभिनव योजना, मैं क्योंकि हरियाणा के प्रभारी के नाते ताल्लुक रखता हूँ, तो जब देश में लिंगानुपात कम हुआ तो हरियाणा की धरती से ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, और उसी क्रम में आगे चलते चलते एक अभिनव योजना उनकी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 0 से 14 वर्ष की बालिकाओं का डाकघर में बैंक में अकाउंट खुलता है, 250 रुपए से शुरुआत होती है, और बालिका जब परिपक्व होती है, 18 बरस की होती है तो पढ़ाई के लिए, और 21 बरस की होती है तो विवाह के लिए। तो मैंने एक संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष ऐसी बालिकाओं के हम लोग अपनी इच्छा से पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उनके खाते खोलेंगे, ताकि ऐसी जो बच्चियां हैं जो पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको सक्षम बनाएं। पिछली बार लगभग 60,000 ऐसे बच्चियों के